श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वह बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता गौ ब्राह्मण सिद्धगण वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए दो वस्त्र उत्तम औषधियां और गारुड़ अर्थात मरकत आदि विष नष्ट करने वाला रत्न धारण करें। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में भी कभी रुचि ना करे। निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विद्विष्ट पतित उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा कुलटा के स्वामी शुद्र मिथ्यावादी अति व्ययशील निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करे, जलते हुए घर में प्रवेश ना करे और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े। दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमाही ना ले और ना बंद मुख से सांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़े तथा नखों को ना चबावे, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विच्छिन्न पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावे, दो ढेलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखे। नग्न परस्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे तथा शव और शव गंध से घृणा ना करे, क्योंकि शव गंध सोम का अंश है। चौराहा चैत्य वृक्ष शमशान उपवन और दुष्ट स्त्री की समीपता इन सबका रात्रि के समय सर्वदा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपनी पूजनीय देवता ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी ना लांघे तथा शून्य वन खंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश अस्थि कंटक अपवित्र वस्तु बलि भस्म तुष्य तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करे, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो और सब के पास ना जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने सोने स्नान करने बैठने शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय ना लगावे। राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को ओस को तथा सामने की वायु और धूप को सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान शयन और आचमन ना करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन ना करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में आचमन में पुण्य वाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त ना हो। संशयशील व्यक्ति के साथ कभी ना रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे घंटे का संग भी अति प्रशंसनीय है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध ना करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह ना बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सहले किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़े और आचमन भी ना करे।
पैर के ऊपर पैर ना रखे, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलावे और ध्वस्तता पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर ना बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सबको बाईं ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को बाईं ओर रखकर ना जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र का त्याग ना करे और ना थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करे तथा शलेष्मा अर्थात विष्ठा मूत्र और रक्त को कभी ना लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान ना करे, उनका विश्वास भी ना करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी ना करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करे और यथा समय अग्निहोत्र करे। दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतु भूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल, मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन ना करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युगमात्र अर्थात चार हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या, विनय, संपन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसके मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता है तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे ना कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह कड़वा ही क्यों ना हो, अर्थात चाहे अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।